गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यूनिट पढ़ने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी होगा, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी पर हम क्या होते हैं, ठीक। वर्क क्या जानते हैं, वर्क हम जानते हैं जब किसी वस्तु पर हम कोई फोर्स लगाते हैं और वो अपने स्थान से डिस्प्लेस्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है, किसी दूसरे स्थान पर पहुँच जाती है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, एफ इंटू एल। अगर वो एल दूरी तक डिस्प्लेस्ड होती है तो एफ इंटू एल, और उसके द्वारा ऊपर डब्ल्यू कार्य किया जाता है या वर्क किया जाता है, ठीक है। और एनर्जी, एनर्जी हम यहाँ से देखेंगे, एनर्जी यहाँ देखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक। गतिज ऊर्जा क्या होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा जब एक पॉइंट पर हम फोर्स लगाएंगे तभी तो उसमें गतिज ऊर्जा आएगी और दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस होगी। और जब ऐसा होता है तो गतिज ऊर्जा और वर्क के बीच में एक संबंध आता है, जिसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम के अंतर्गत पढ़ते हैं। संबंध क्या होता है, संबंध होता है ऐसे टाइम पर, ऐसे सिचुएशन में जो वो पिंड होता है, जो पिंड होता है वो कितनी गति करता है, वो हमेशा वर्क हो जाता है, वो काइनेटिक ऊर्जा के अंतर के बराबर में काइनेटिक एनर्जी के फोर्स के बराबर, काइनेटिक एनर्जी के अंतर के बराबर में आता है या फिर नहीं आता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलस मेथड, ठीक। हालांकि इसका एक सिंपल मेथड भी है, एक कैलकुलस मेथड भी है। तो हम पहले कैलकुलस मेथड से करते हैं, इसके बाद हम इसका सिंपल मेथड से सोल्यूशन निकालेंगे। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv, यही होती है किसी गतिज में, किसी पिंड में, किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला रहता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इस काइनेटिक एनर्जी को हम सॉल्व करेंगे कहाँ से। मानते हैं एक हमारे पास पिंड है, एक बॉडी है जिसमें हमने एफ फोर्स लगाया। क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया, और वो एक पॉइंट से या एक दूसरे वे बी बिंदु पर या बी पॉइंट पर वो डिस्प्लेस, ठीक। एक दूसरे बी बिंदु पर डिस्प्लेस। अगर हम F लिखते हैं, F बराबर कितना आएगा, m a, यही होता है फॉर्मूला, F बराबर m, ठीक है। F बराबर m a, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी का टाइम के अकॉर्डिंग, सही है ना, वेलोसिटी का टाइम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, क्लियर। एक हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। हमें क्या करना है, हमें निकालना है डी सिंपल, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें डी अपॉन डी आर लिख सकते हैं और डी आर अपॉन डी, ठीक। वैसे जितना किए उतना इतना एनी शेप लिखा है, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, आगे डी आर कैंसिल हो जाएगा, वो हमारा सीधा का सीधा क्लियर है। अब हम देख रहे हैं डी आर अपॉन डी, डी आर अपॉन डी टी को हम क्या लिख देंगे, डी आर अपॉन डी टी होता है जब r दूरी हो या s दूरी हो, s दूरी पे आ गया सपोज डी आ गया। अब मान लो हमने r दूरी डिस्प्लेस की, कितनी दूरी डिस्प्लेस की, r दूरी डिस्प्लेस की, तो जब r दूरी डिस्प्लेस की तो दूरी के अकॉर्डिंग हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो आ जाता है हमारा 12 आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं dv / dr, इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब है जब हमने फोर्थ लगाया आर डी आर एक कुछ दूरी के लिए उसका फॉर्मूला कितना है, ठीक है। अब हमने इसके बाद हम वर्क निकालते, मान लो हमने थोड़ा सा वर्क निकालता तो कितना निकलता है, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस कितना मिलेगा, एफ इंटू एस कह लो, एफ इंटू आर कह, ठीक है।
ओके अगर हम इसको पूरा निकालते हैं, कितना निकालते हैं पूरा निकालते हैं, तो हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेटर में इंटीग्रेशन लेट करेंगे तो उसमें हम लिमिट लगा दें, लिमिट कहाँ से निकलेगी, लिमिट निकलेगी यू से लेकर वी तक, यू से लेकर आखिरी पॉइंट वी तक, और यहाँ एफ को इंटू एस कह लो या डी, ठीक है एफ और डी आर की जो सूक्ष्म दूरी थी वो डी आर कितनी आ जाएगी, डी आर दो सूक्ष्म दूरी हमने मानी है कि सूक्ष्म दूरी डी आर तक वो डिस्टेंस, इसको हम फॉर्मूले को लिखेंगे यहाँ पर एफ, एफ का यहाँ मान कितना है एम बी डी बी अपॉन डी, तो टाइप कर देंगे इसको एम बी डी बी अपॉन डी, यहाँ पर ये डी आर से डी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, डी आर से डी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्क कितना बचेगा, तो वर्क बचेगा वर्क इज इक्वल टू लिमिट यू टू वी तक एम बी डी, ठीक है एम कॉन्स्टेंट रहेगा बाहर निकालेंगे एम बाहर आ गया, वी रहेगा यू टू बी वी डी, क्लियर इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा वी है तो वी स्क्वायर अपॉन टू ऐसे तो होता है और लिमिट, और लिमिट कहाँ से यू से लेकर वी तक, नेक्स्ट यू से लेकर वी तक हम तोड़ देंगे तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन, ठीक है ये आ गया, अगर आप अलग अलग लिख दें तो m u स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2, यही तो आया ना, देखो यहाँ पर जब लिमिट लगाते हैं तो आखिरी माइनस ये चीज ध्यान रखना आखिरी माइनस, ठीक तो m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क होता है ये अंतिम काइनेटिक और ये फर्स्ट के एल माइनस के ई अंतिम माइनस फर्स्ट, कहने का मतलब जो वर्क डन होता है वो हमेशा जो वर्क डन होता है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी के अनुसार उसके सापेक्ष उसके अंतर के बराबर में रहता है, क्लियर है।